हेडलाइन के प्रायोजक है बीएमएच के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर जो है स्वाद में भरपूर। हेडलाइन के प्रायोजक है बीएमएच के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर जो है स्वाद में भरपूर। नमस्कार, बिहार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति और शुरुआत करेंगे राजधानी पटना से, जहां लालू की किताब गोपालगंज टू रायसीना हिल्स पर लगातार आरोप प्रत्यारोप का मामला धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। वहीं तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा है कि नीतीश चाचा ने चुप्पी क्यों साधी हुई है। प्रशांत किशोर जी लालू जी से भी मिले हैं और कांग्रेस के कई नेताओं से भी मिले हैं। किताब में यह सब बात सामने आ ही गई है, उसमें एक एक बात सच्ची है। शांति से बार बार आकर ट्वीट करते रहते हैं। नीतीश कुमार जी ने क्यों चुप्पी साधी हुई है? नीतीश कुमार जी आए और सफाई दे। पहले भी हम लोगों ने कहा था कि कई बार जो है हम लोगों को ऑफर आया है, प्रशांत किशोर जी हमसे भी मिल रहे हैं, लालू जी से भी मिल रहे हैं और कांग्रेस के कई एक नेता से भी मिल रहे हैं। तो ये बात तो सब जो है किताब में आ ही गया है। जो लालू जी का किताब है गोपालगंज टू रायसीना, उसमें एक एक बात जो है सच्ची खबर है। तो उसी बात को तो हम लोग लेकर के जो है बोलने का काम कर रहे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर जी देखिए सक्रिय नहीं है, उसने बार बार जो है वो बीच बीच में आकर के ट्वीट वगैरह करते रहते हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी से परमिशन लिए हैं, वो नीतीश कुमार जी से पहले परमिशन ले लें फिर बात करें। कोई प्लानिंग वे में नहीं है, सच को झूठला नहीं सकता कोई, ये सच है। और इस पे मेरे ख्याल से नीतीश कुमार जी को सामने आकर के स्पष्टीकरण देना चाहिए कि ये झूठ है कि ये सच है। पटना के भाजपा प्रदेश कार्यालय में बीजेपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस मौके पर बिहार के प्रभारी भूपेंद्र सिंह और सुशील कुमार मोदी सहित कई नेता मौजूद रहे। वहीं उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने दावा किया है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में पिछले लोकसभा के चुनाव से बड़ी लहर बीजेपी और एनडीए के पक्ष में है। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सत्ता की वापसी से तमाम भ्रष्टाचारी डरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस की हालत पॉकेट मार वाली हो गई है, जो जितना चोर चोर चिल्लाएंगे उतना ही बीजेपी की लोकप्रियता बढ़ेगी। इसके साथ ही सुशील कुमार मोदी ने बीजेपी में शामिल होने वाले तमाम नेताओं का अभिनंदन किया है। उन्होंने कहा कि एनडीए को और मजबूती मिलेगी। आज निश्चित रूप से मुझे काफी गर्व हो रहा है भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हुए। मैंने लगातार करीब 30 वर्षों तक ईमानदारी से कांग्रेस पार्टी में राजनीति की। एनएसयूआई छात्र कांग्रेस से लेकर लगातार मैं काम किया ईमानदारी से पार्टी। लेकिन निश्चित रूप से मैंने एक महीने पूर्व 9 तारीख को छोड़ा था कांग्रेस पार्टी पर दुखी मन से। मैं आपने देखा होगा कि मैंने सर्जिकल स्ट्राइक के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी जी को पत्र लिखा कर एक प्रदेश अध्यक्ष से बात की कि देश की जनता नहीं चाहती है कि आपको एक प्रश्न उठा रहे हैं देश की सेना पर, उसके सोर्स पर। लेकिन लगातार कांग्रेस पार्टी ने सेना का मनोबल को तोड़ने का काम किया। हमारे नेता थे उस समय राहुल गांधी जी, वो कोई जवाब नहीं देते हैं। आश्चर्य होता है कि कांग्रेस चल कैसे रही है। मैं काम जरूर किया, मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा हूं। लेकिन एक भगवान से मिलने पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे राहुल गांधी से, मुख्यमंत्रियों को भेंट नहीं होती। लगातार 28 तारीख से दौरा कर रहा हूँ और आगे भी कल से जब प्रारंभ होगा सो पूरे चुनाव अभियान के दौरे दौरा चलेगा। एक ही वाक्य में कह सकता हूँ कि 2014 में भी वैसी लहर नहीं थी जैसी लहर आज बिहार के अंदर दिखाई पड़ी। इसे जितने आक्रमण है सब धरे के धरे रह जाएंगे। और मित्रों, ये जो लड़ाई है, नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार पर करारा प्रहार किया है और इसे वो सारे लोग बौखलाए हुए हैं, या तो बेल में हैं या जेल में हैं। और जो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे रहे वैसे लोग डरे हुए घबराए कि अगर फिर लौट कर आ गया नरेंद्र मोदी हम लोग का क्या है। अभी अगर एक उदाहरण देना चाहूँगा कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, तो एक और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वाले लोग हैं, दूसरी ओर डायरेक्ट बिचौलिया ट्रांसफर। डीबीटी जो है हमारे समय में डीबीटी का मतलब है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। सभी गरीबों के गरीब के खातों में सरकारी धन का एक एक पैसा उनके खातों में जाता है और दूसरी ओर उनके राज में पैसे का बड़ा हिस्सा बिचौलियों के खाते में जा रहा था। इसलिए मैंने कहा कि वो डायरेक्ट बिचौलिया ट्रांसफर था और आज ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हुआ। और आपकी जानकारी के लिए इस डीबीटी का लाभ ये हुआ है 2 करोड़ फर्जी राशन कार्ड पूरे देश के अंदर रद्द हुए। एक किसी ने अच्छा एक उदाहरण दिया कि जब कोई बहुत तेज पॉकेटमार होता है, लोग आए दिन देखते जो पॉकेटमार होता है बड़ा चालू पॉकेटमार, तो पॉकेट काटने के बाद भीड़ में घुसकर चोर चोर चिल्लाने लग जाता और भीड़ भ्रमित हो जाती है कि पॉकेट किसने काटा।
क्योंकि जो काटने वाला वही चोर चोर चिल्ला रहा है। तो आज कांग्रेस की हालत उसी और पॉकेटमार वाली हालत हो गई है। जदयू एमएलसी सह प्रवक्ता नीरज कुमार का ललन सिंह के लिए प्रचार अभियान इन दिनों बाढ़ में लोगों को खूब पसंद आ रही है। लोग सड़कों पर नीतीश मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, वहीं विरोधियों के मुर्दाबाद के नारे भी गूंज रहे हैं। एमएलसी नीरज बाढ़ विधायक ज्ञानू के साथ हथमलगोला में महाराणा प्रताप के आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रूपस मलाही दक्षिणी चक सहित कई क्षेत्रों का भ्रमण कर टाल के इलाकों में जनसंपर्क चलाया। बाढ़ में ज्ञानू और नीरज ने एनडीए के प्रधान कार्यालय का उद्घाटन भी किया। इस दौरान युवा उपाध्यक्ष मनीष सिंह सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। मोदी नीतीश राम विलास जिंदाबाद 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 एनडीए गठबंधन जिंदाबाद 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 वीर छाप जिंदाबाद जिंदाबाद। मुजफ्फरपुर में रामनवमी के पर्व पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। गाजे बाजे घोड़े और बैंड बाजे के साथ ये जुलूस निकाली गई। वहीं 100 फीट का तिरंगा आकर्षण का मुख्य केंद्र बना रहा। मतलब रामनवमी में हम लोग बहुत भव्य विस्तार जुलूस निकालते हैं। इस बार भारत माता का एक नया फिर आ रहा है जैसे आपको देखने के लिए, और प्लस बहुत ही बहुत बहुत बड़ा एक झंडा विशाल झंडा भी है हम लोग के जुलूस के साथ। उधर जनकपुर में भी रामनवमी की धूम। भगवान राम के ससुराल और विदेह राजा जनक के राज्य जनकपुर में भी रामनवमी की धूम देखी गई। पूरे दिन मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। इस मौके पर मंदिर परिसर में ही रामलीला समेत कई दूसरे धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। शुभ अवसर पर हम लोग तुलासी शौक से बजरंगबली के मंदिर से एक पर्व के रूप में जो हर साल मनाते आ रहे हैं, इसलिए शांतिपूर्वक मनाते हुए हम लोग इस पर्व को समर्पण करेंगे देशा निर्देश के अनुसार। ये आपको शीतलपुर होते हुए और शिवाड़ी होते हुए फिर पूरा कोलासी में हम लोग इसी स्थल पर आकर आकर एक शांतिपूर्वक सही कर बैठक करेंगे और बैठक करके संपन्न हो जाएंगे। राजधानी पटना के रविंद्र भवन में पंजाब नेशनल बैंक का 125वां स्थापना दिवस मनाया गया। वहीं जीके पारिवाल ने बताया कि पीएनबी नंबर वन बैंक बनकर उभरी है। पीएनबी ने अपने कस्टमर को संतुष्ट किया है। हमारा बैंक उस तूफान से गुजर रहा था, लेकिन पूरे भारतवर्ष में जहां अन्य जगह कुछ न कुछ सुनने को मिला, लेकिन बिहार और झारखंड की जनता ने उस वक्त भी हमारे साथ खड़े होकर ये जता दिया कि पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर इन लोगों का कितना विश्वास है, भरोसा है। तो जो हम कहते हैं पंजाब नेशनल बैंक भरोसे का प्रतीक, वो बिल्कुल सार्थक इन्होंने इसको करके दिखाया। तो इन शब्दों के साथ मैं पुनः अपने ग्राहकों को सभी स्टाफ सदस्यों को बधाई देता हुआ धन्यवाद करता हूँ कि ये जो 125वां फाउंडेशन डे है वो हम सबके लिए सुखद हो और शुभकामनाएँ देता हूँ, तथा ये आश्वासन भी देता हूँ कि हमारे जो स्टाफ सदस्य और हम सब मिल के इस बैंक को और ऊपर ले जाएंगे, ग्राहक सेवा को और उत्तम करेंगे ताकि अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़ सकें। रामनवमी के अवसर पर रुकनपुरा वासियों की तरफ से भगवान राम की शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में पुरुष एवं महिलाएं शामिल हुए। शोभा यात्रा में एक तरफ भगवान श्री राम माता सीता के साथ रथ पर विराजमान नजर आए, तो वहीं अलग अलग बातों पर भगवान शंकर सहित कृष्ण भगवान भी शोभा यात्रा में रथ पर विराजमान रहे। यह शोभा यात्रा रुकनपुरा से राजवंशी नगर हनुमान मंदिर तक आई। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज़। नमस्कार।